हेलो एंड वेलकम टू द गुरुकुल। और टीजीटी साइंस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्होंने डिमांड करी थी टीजीटी साइंस के लिए कुछ वीडियोस बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं टीजीटी साइंस के लिए बहुत सेलेक्टिव कुछ वीडियोस लेकर आऊँगी आपके लिए, जिसमें या तो आप टीजीटी साइंस के लिए भी कह सकते हो या फिर पर्टिकुलर आप पीजीटी के लिए भी कर रहे हो। तो ये आज की जो वीडियो है वो पीजीटी बायोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आज जाने वाले हैं कि एक जूलॉजी एट अ ग्लांस, या फिर मैं ये कहूँ कि ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी के बारे में हम जानेंगे। तो इससे क्या होता है टीजीटी साइंस में, या फिर अगर आप पीआरटी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो पीआरटी में भी 1 से 2 मार्क्स के सवाल आपसे बनते हैं, जो कि आता है कि ब्रांचेस के बारे में कि स्टडी, इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है। जैसे कि कुछ साल पहले का मैंने 17 या 18 का मैंने क्वेश्चन पेपर एक देखा है, उसमें आया था साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है, ये कौन सा ब्रांच होता है, इससे किसकी स्टडी करते हैं, ऐसा करके सवाल पूछा गया था। तो साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स का है, तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज मैं इसी ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पे एकैरोलॉजी। एकैरोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ माइट्स एंड टिक्स। स्टडी ऑफ माइट्स एंड टिक्स की स्टडी जिसमें हम करते हैं उसमें, उसको हम एकैरोलॉजी कहते हैं। एसीलॉजी यहाँ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है, तो स्टडी ऑफ थेरेपेटिक्स, थेरेपेटिक्स यानी कि थेरेपीज जो होती है उसके बारे में जो स्टडी होती है उसे एसीलॉजी कहा जाता है। एक्टिनोबायोलॉजी, एक्टिनोबायोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ रेडिएशन इफेक्ट्स ऑफ ऑन ऑर्गेनिज्म। सो रेडिएशन इफेक्ट जो होता है ऑर्गेनिज्म पे किस तरह से होता है और कितना होता है, इसकी स्टडी जो की जाती है एक्टिनोबायोलॉजी में की जाती है। एरोबायोलॉजी, एरोबायोलॉजी है स्टडी ऑफ फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म्स, यानी फ्लाइंग जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं, उड़ने वाले जो जंतु हैं उसके बारे में स्टडी किया जाता है एरोबायोलॉजी में। एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी को हम बोलते हैं एंड्रोलॉजी। एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग आर्टरीज एंड वेन्स, तो इसे हम बोलते हैं एंजियोलॉजी। अगला है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ मैन। तो जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ मैन है उसकी स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। आगे है एफिडोलॉजी, एफिडोलॉजी किसे कहा जाता है, तो स्टडी ऑफ एफिड्स की स्टडी को हम एफिडोलॉजी कहते हैं। एपिकल्चर, एपिकल्चर जो है बहुत बार पूछा गया है कि द रियरिंग ऑफ हनी बीज एंड ऑब्टेनिंग हनी, तो जो इसकी जो प्रोसेस है इसको एपिकल्चर कहा जाता है। एक्यूकल्चर, एक्यूकल्चर कल्चर ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स को एक्यूकल्चर कहा जाता है। एराइनोलॉजी, स्टडी ऑफ स्पाइडर्स को एराइनोलॉजी कहा जाता है। एंथ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स। ऑक्सिनोलॉजी, ऑक्सिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल स्टेटस। अगर किसी की मेंटल स्टेटस को स्टडी करना है तो उसके लिए कौन सी ब्रांच ऑफ जूलॉजी हम स्टडी करेंगे, तो उसके लिए किया जाता है ऑक्सिनोलॉजी। बैक्टेरियोलॉजी, सो बैक्टेरियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, ये तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बैक्टेरियोलॉजी इन स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद एक आता है बैटरकोलॉजी, बैटरकोलॉजी यानी स्टडी ऑफ फ्रॉग्स। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में आप स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन अकरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली ये बायोलॉजी में पढ़ा जाता है लेकिन होता ही केमिस्ट्री का पार्ट, क्योंकि यहाँ पर जो हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं जो कि होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर, तो उसे कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। आगे है ब्रोमैटोलॉजी, ब्रोमैटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड और न्यूट्रिशन की स्टडी को हम ब्रोमैटोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद है कार्किनोलॉजी, कार्किनोलॉजी हम कहते हैं, सो कार्सिनोलॉजी स्टडी ऑफ सो स्टडी ऑफ क्रस्टेशियन इज कॉल्ड एज कार्सिनोलॉजी। नाउ कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट। कॉन्ड्रोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज की स्टडी को कॉन्ड्रोनोलॉजी कहते हैं। और क्नाइडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉलेंट्रेट्स, कॉलेंट्रेट्स की स्टडी को बोलते हैं क्या, क्नाइडोलॉजी।
कॉन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्सकन सेल्स. कॉप्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फीसल मैटर. फीकल मैटर या फीसल मैटर जो भी आप बोलते हो. क्रैनियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्कल. एंड क्राइबायोलॉजी इज स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट लो टेम्परेचर. तो जो प्रिजर्वेशन होता है लो टेम्परेचर पर ऑर्गेनिजम्स का, जिसको प्रिजर्व किया जाता है लो टेम्परेचर पर, उसकी स्टडी को हम क्रायोबायोलॉजी कहते हैं. आगे है डर्मेटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव्स. डेस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिगामेंट्स. एंड डिस्टलॉजी इज द स्टडी ऑफ रुडिमेंटरी ऑर्गन्स. इकोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन द आउटर स्पेस. एंड इडियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जेनिटेलिया. और एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, जिसमें स्टडी कहते हैं उसे एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है. एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. एंड एथनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड. सो यहाँ पे इथेनोलॉजी की बात करते हैं, जिसमें हम मैनकाइंड के बारे में, ह्यूमंस के बारे में करते हैं, उसे एथेनोलॉजी कहते हैं. और इथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स. यूजेनेसिस इज द स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाई इम्प्रूविंग जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन रेस. इसके अलावा यूफेनिक्स कहा जाता है स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाई अल्टरिंग द प्रोटीन्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल. और इसको एक अलग टर्म भी कहा जाता है, जैसे इसको मेडिकल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है. हम इसको मेडिकल इंजीनियरिंग के टर्म में भी पढ़ाई की जाती है. ये मेडिकल साइंस है, जिसे मेडिकल इंजीनियरिंग के टर्म में इसकी पढ़ाई की जाती है. और यूथेनिक्स कहा जाता है साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ मॉडर्न जनरेशन ऑफ मैन थ्रू बेटर न्यूट्रिशन एंड इन्वायरमेंट को. नेक्स्ट है फॉरेंसिक मेडिसिन. फॉरेंसिक का साइंस का आपने नाम सुना होगा. फॉरेंसिक मेडिसिन क्या होती है? मेडिकल, यहाँ पे मेडिकल ज्यूरिस प्रूडेंस को कहा जाता है फॉरेंसिक मेडिसिन. गैस्ट्रोनोलॉजी कहा जाती है स्टडी ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन को. जीनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पेडिग्रीज. एंड जेनेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जेनाइटल मेकअप द स्पीसीज. एंड जेरेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ग्रोइंग ओल्ड्स. इसके अलावा ग्लूसोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टंग. एंड ग्लूसोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टंग. टंग की स्टडी जो करते हैं उसे बोलते हैं ग्लूसोलॉजी. और जेनेटोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जर्म फ्री लाइफ. और गायनेकोलॉजी आपको पता ही है, गायनेकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? तो जो स्टडी करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, उसे हम गायनेकोलॉजी कहते हैं उसकी स्टडी को. और ऐसे स्पेशलिस्ट को हम कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट. नेक्स्ट है जर्मोमॉर्फिज्म. जर्मोमॉर्फिज्म एक कंडीशन होती है फॉर अपियरिंग एज वाइल स्टिल यंग. मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप देखते हैं कुछ यंग लोग कुछ एजेड से मतलब ओल्ड एज बूढ़े जैसे नज़र आते हैं, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? उसकी स्टडी को कहा जाता है जर्मोमॉर्फिज्म कहा जाता है. और नेक्स्ट है हेमेटोलॉजी. हेमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड. और हेलमिंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइटिक वर्म्स. तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है हेमेटोलॉजी और हेलमिंथोलॉजी. हेमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड. नेक्स्ट है हेपेटोलॉजी. हेपेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लीवर. आपने हेपेटाइटिस बी इस बीमारी का नाम सुना होगा, तो इसी से बना है. ये लीवर की डिजीज़ होती है हेपेटाइटिस बी. ये बना हुआ है हेपेटोलॉजी से. हेपेटोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ लिवर. नेक्स्ट है हर्पेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स. हर्पेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स. हेक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बायोनॉमिक्स. एंड इक्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल फुटप्रिंट्स. यानी जो फॉसिल्स बचे हुए अवशेष हैं जो हमारे उसके जो फुटप्रिंट्स हैं उसकी स्टडी की जाती है, उसे इकोनोलॉजी कहा जाता है. और इचाइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिशेज. इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी टू द डिजीज. उसकी स्टडी जो की जाती है इम्यूनिटी की, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी. कैलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी की जो स्टडी है उसे कैलोलॉजी कहते हैं. और कार्डियोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, पर्टिकुलरली क्रोमोजोम्स. इसके अलावा
काइनेसियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड लेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एपिडेमिक डिजीजेज. लाइमनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोलॉजी एंड मेलेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मॉलिकस. मैमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैमल्स एंड मेलानोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पिगमेंट्स. माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही फेमस ब्रांच है जिसमें स्टडी की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में. यहाँ पे मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मसल्स एंड मायरमेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एंट्स. नेटामोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेटामेडोज और नेपिलॉजी इज द स्टडी ऑफ न्यू बॉर्न की स्टडी को नेपिलॉजी कहा जाता है. और नियोनेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ न्यू बॉर्न अप टू द एज ऑफ 2 months. आगे है न्यूनेटोलॉजी साइंस डीलिंग विद द लाइफ ऑफ रीसेंट ऑर्गेनिज्म जस्ट रिवर्स टू द पैलेंटोलॉजी. एंड नेफ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ किडनी जिसे नेफ्रॉन्स भी कहा जाता है. और न्यूरोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग ब्रेन. और नीडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेस्ट ऑफ बर्ड. एंड नोसोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस. ओडोनेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसिल फ्लाइज. एंड ओडोनोटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टीथ एंड गम्स. ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ट्यूमर्स. तो शरीर में जो ट्यूमर्स होते हैं उसकी स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है. ऊलॉजी इज द स्टडी ऑफ एग्स ऑफ बर्ड्स. पक्षियों के अंडे की जो स्टडी होती है उसे ऊलॉजी कहा जाता है. ऑफिनोलॉजी जो स्टडी ऑफ स्नेक्स की स्टडी को ऑफियोलॉजी कहा जाता है. इसके अलावा ऑफ्थेल्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आईज एंड इट्स डिजीजेज. एंड ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स. ऑरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड सीरम. और ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स. आपको पता होगा या कोई भी डिजीज़ होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियो या फिर ऑस्टियोपोरोसिस तरह की डिजीज़ होती है, तो वो ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स. ओटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ईयर्स एंड हियरिंग डिवाइसेस. एंड पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. पैरासाइटोलॉजी की में स्टडी ऑफ पैरासाइट्स. एंड पैराजूलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस. और फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सिंथेसिस एंड इफेक्ट्स ऑन ऑफ मेडिसिन ऑन ऑर्गेनिजम्स. सो इसमें जो एक्चुअली फार्माकोलॉजी जो होती है या जिसे कि आप पढ़ते हो फार्मासिस्ट बन जो इससे बना हुआ है, तो इसके बारे में स्टडी की जाती है. इसमें स्टडी यही की जाती है कि सिंथेसिस और इफेक्ट क्या होता है मेडिसिन का एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर. इसके अलावा फेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड माइग्रेशन. बर्ड जो होते हैं बर्ड माइग्रेशन की स्टडी, मतलब बर्ड्स जो होते हैं वो माइग्रेट होते रहते हैं जब जैसा क्लाइमेट होता है अपनी सूटेबल क्लाइमेट के हिसाब से वो एक रीजन से दूसरे रीजन में माइग्रेट होते हैं. और इसकी स्टडी को फिनोलॉजी कहा जाता है. पिसीकल्चर इज द रियरिंग ऑफ फिशेज इन द पॉन्ड्स. तो पिसीकल्चर कहा जाता है मत्स्य पालन जिसे हिंदी में कहते हैं. सोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिजार्ड्स, छिपकली जिसे बोला जाता है. और सेरीकल्चर आपको पता है अच्छी तरह से कि सिल्क वर्म्स, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स एंड ऑब्टेनिंग सिल्क को सेरीकल्चर कहा जाता है. और स्पैनकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विसेरल ऑर्गन्स. और सिंडेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोनी जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स. एंड सिनेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज कम्युनिटीज. इसके अलावा टैक्सीडर्मेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्किन एंड सफरिंग स्टफिंग. और टेट्राटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एबनॉर्मलिटीज, यानी कि जो एनिमल्स में जो एबनॉर्मलिटीज होती है यानी कोई भी उसमें एबनॉर्मलिटी उसकी स्टडी को बोला जाता है टेट्राटोलॉजी. टोकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ चाइल्ड डिलीवरी की स्टडी को टोकोलॉजी कहा जाता है. और टैक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड हार्मफुल कंपाउंड्स. ट्रॉमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वाउंड्स यानी कि घाव, जख्म जिसे बोलते हैं, तो उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है ट्रॉमेटोलॉजी.
और ट्राइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हेयर्स, हेयर की स्टडी को ट्राइकोलॉजी कहते हैं। यूरोलॉजी जिस यानी कि स्टडी ऑफ यूरिन और उससे संबंधित बीमारियों की जो स्टडी है उसे यूरोलॉजी कहा जाता है। वेनेरोलॉजी जो स्टडी ऑफ वेनेरल डिजीज है। वायरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वायरस एंड वायरल डिजीजेस। और जूनोजूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हैंडीकैप्ड एनिमल्स, जो एनिमल होते हैं जिसके हाथ पाँव या कोई ऑर्गन आँख नाक वगैरह ठीक से नहीं होता है, ख़राब हो गया होता है या डैमेज हो गया होता है, तो उसकी स्टडी को हैंडीकैप्ड एनिमल्स की स्टडी को जूनोसोलॉजी कहा जाता है। और जूफाइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिजम्स सच एज डायटम्स। और जाइमायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन यानी कि किस चीज़ को फर्मेंट करना उसकी स्टडी को जाइमोलॉजी कहा जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, 1 to 2 मार्क्स के सवाल इससे आते हैं हर साल, वो पीआरटी के क्वेश्चन पेपर में भी जो साइंस का रीज़न होता है उसमें भी ये सवाल आते हैं, और पीजीटी बायोलॉजी में या फिर टीजीटी साइंस, दोनों तीनों चीज़ों के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से रहेंगे ही, तो बहुत ही कम समय में मैंने कोशिश करी ये टॉपिक को कवर करने के लिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, समय कम बचा है तो हमारे साथ पढ़ते रहिए और बने रहिए। सो जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग कीप वॉचिंग।